Hey everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. I hope you all are really good. तो आपके request पर तो मैंने chia seed और उसके होने वाले फ़ायदों के बारे में तो वीडियो मैंने पहले आपसे शेयर की थी, बट उसके बाद मैं कुछ रिसर्च कर रही थी उससे रिलेटेड और फिर मुझे उनके जो नुकसान दिखे वो मैं आपको बिना बताए नहीं रह पाई और इसलिए ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ. यदि आप भी मान लो chia seed का सेवन कर रहे हो और वीडियो में बताए गए नुकसान से रिलेटेड कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको चिया सीड तुरंत ही स्टॉप करनी है. तो ज़रूरी नहीं है कि चिया सीड हर किसी को सूट करे, किसी के साथ ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है. तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और अच्छे से देखो और इससे होने वाले नुकसान से आप सब बचो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो फ्रेंड, चिया सीड से होने वाले नुकसान को मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगी. तो इन पॉइंट्स को मैं शुरू करती हूँ. तो पहला पॉइंट है कि चिया सीड के अधिक सेवन से आपको एलर्जी हो सकती है, तो आपको इसका अधिक सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस एलर्जी के चलते आपके शरीर पर निशान पड़ सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खुजली होगी, दस्त होगी और साथ ही उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है. हर किसी के शरीर को चिया बीज फ़ायदा पहुंचाए ये ज़रूरी नहीं है. पॉइंट नंबर 2 पर बढ़ते हैं. तो चिया सीड्स कैंसर को ज़रूर ठीक करता है, लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर हो तो चिया बीज का इस्तेमाल आप ना करें. इसका सेवन सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही सही माना गया है. पॉइंट नंबर 3 को देखें. तो चिया बीज में फाइबर होता है जो वैसे तो पेट के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा फाइबर का सेवन ठीक नहीं है, उन्हें पेट की समस्या हो सकती है. इसे कम मात्रा में लें और पानी अच्छी मात्रा में पिएं. पॉइंट नंबर 4 को देखें. तो फाइबर के ज़्यादा सेवन से कब्ज और दस्त की समस्या हो सकती है. अब जो आखिरी नंबर 5 पॉइंट है उसमें है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके सेवन से खून पतला हो जाता है. अगर आप पहले से खून को पतला करने की किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो तो चिया का सेवन आप ना करें. अगर किसी सर्जरी की वजह से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका हो तो भी आपको चिया सीड का सेवन नहीं करना है. सो फ्रेंड्स, यही थे चिया सीड से होने वाले कुछ नुकसान जिसको कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है. यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप चिया सीड को तभी स्टॉप कर सकते हो. सो दैट्स इट. यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जान पहचान वाले करीबी दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर सकते हो. और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना है बेल आइकन को प्रेस. तो अब मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.